हेलो बच्चों, आज हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन का एक टॉपिक समझेंगे, वेलोसिटी एक्सेलरेशन एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल इन SHM। ठीक है, जब कोई भी पार्टिकल SHM करेगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा, तो अपने मीन पोजीशन के अबाउट वो मूव करेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये पार्टिकल एक यहाँ पर मीन पोजीशन के अबाउट अपने पॉजिटिव एक्सट्रीम पे आ रहा है, फिर एक बार नेगेटिव एक्सट्रीम पे आ रहा है, मतलब एक बार इधर गया, फिर रिटर्न हुआ, फिर नेगेटिव एक्सट्रीम पे गया, फिर नेगेटिव से वापस मीन पर गया। ठीक है, तो ये जो पूरा मूवमेंट है, इस मूवमेंट में क्या वेलोसिटी होगा, क्या एक्सेलरेशन होगा, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, ये सारी चीज़ों को हम लोग कवर करेंगे। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। अब ऑब्वियसली बात है बच्चों, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर, कोई भी पार्टिकल अगर SHM करेगा, मूव करेगा, तो उसका एक डिस्प्लेसमेंट होगा। तो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल इज, ये देखिए पूरा चैप्टर नहीं है, मैं आपको एकदम क्लियर बोल दूं कि ये पूरा चैप्टर नहीं है, जस्ट एक टॉपिक है। अगर किसी को टॉपिक समझना हो तो वो इस वीडियो को देख के आराम से समझ सकता है कि टॉपिक ये क्या है, वेलोसिटी एक्सेलरेशन है ना। तो मान लीजिए कि कोई पार्टिकल है जो अपने मेन पोजिशन से कुछ डिस्प्लेसमेंट एक्स है ना, मतलब एक्स के साथ ये वेरी कर रहा है, तो x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई, जहाँ पे ए क्या है, एम्पलीट्यूड है, और ओमेगा है एंगुलर वेलोसिटी, टी टाइम हो गया और फाई हो गया इनिशियल फेज। इनिशियल फेज बोलने का मतलब होता है बच्चों टी इज इक्वल टू जीरो पे, मतलब जब पार्टिकल स्टार्ट किया है मूव करना टी इज इक्वल टू जीरो पर, उस टाइम पर इसका एंगल कितना है, फेज का मतलब एंगल। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग ये मान के चलेंगे, हम लोग एज्यूम कर लेंगे कि लेट इनिशियल फेज फाई इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो इक्वेशन क्या बन जाएगा, एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। अब अगर फाई जीरो आप नहीं लेते हैं तब भी कोई परेशानी नहीं है, तब भी ये ऐसे साथ चलते रहेगा, कोई दिक्कत नहीं उसमें है ना, जो इक्वेशन आएगा उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके, सो अगर जीरो कर लेते हैं तो थोड़ा सा इक्वेशन आपको सिंपल दिखेगा। ओमेगा क्या होता है, तो देखिए ये पूरा मैंने सारा जो डेरिवेशन है वो पूरा कंप्लीट नहीं लिखा है मैंने, बस यहाँ तक, यहीं तक लिखा है, इसके आगे मैं आपके सामने पूरा डेराइव करूँगा और आपको समझाऊँगा। ओके, सो देखिए ए एम्पलीट्यूड, ओमेगा हो गया एंगुलर वेलोसिटी, और इसको हम लोग लिखते हैं 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 2 पाई बाई टाइम पीरियड, एफ फ्रीक्वेंसी और टी टाइम पीरियड हो गया। ठीक है ना, एफ फ्रीक्वेंसी और टी हो गया टाइम पीरियड बच्चों। अब देखिए, अब यहाँ पर अगर कोई भी पार्टिकल, मैं किसी भी पार्टिकल की बात करता हूँ, कि कोई भी पार्टिकल अगर एक्स इज इक्वल टू जीरो, या फिर मीन पोजीशन की बात कर लेते हैं, मीन से स्टार्ट होता है टी इज इक्वल टू जीरो पर। ओके, और अगर इधर मूव करेगा तो इसका कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा, क्योंकि पूरे सर्कुलर मोशन को एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, सॉरी पूरे SHM को, पूरे SHM को एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के फॉर्म में देखा जाता है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में यही होता है कि एक ऑब्जेक्ट अपने मीन पोजीशन से स्टार्ट होता है, ठीक है, और मीन पोजीशन से थीटा एंगल पे ये रोटेट होते रहता है। ओके, सो यहाँ से स्टार्ट होगा इस पोजीशन से, मीन पोजीशन से, और ये रिवॉल्व होते हुए, एक मिनट रुकिए, जब पूरा चैप्टर हम देखेंगे तब आपको पूरा बताऊंगा इसके बारे में। रिवॉल्व होते हुए यहाँ पहुँचा, तो टी इज इक्वल टू जीरो पे स्टार्ट हुआ, ये भी मीन पोजीशन, ये भी उसके कॉरेस्पॉन्डिंग मीन पोजीशन, तो ये जो फेज है ना, ये वाला, ये एंगल, ठीक है, ये इनिशियल फेज बोलते हैं हम लोग टी इज इक्वल टू जीरो पे, जहाँ से भी स्टार्ट हो, मतलब इसको भी, एक मिनट रुकिए, इसको भी नहीं, मतलब आप बोलेंगे कि यहाँ पर कितना एंगल बना है वो चीज़ देखना होता है, और इसी लाइन के रेफरेंस पे तो जीरो, ठीक है, अगर यहाँ आएगा तो टी इज इक्वल टू कुछ टाइम टी पर एंगल फाई होगा ना, जो कि ओमेगा टी होगा, क्योंकि ओमेगा के साथ वेरी करेगा। चलिए खैर, जब इसको हम चैप्टर पढ़ेंगे तब देखेंगे, है ना, मतलब ये हुआ कि ये वैरी करते रहेगा, डिस्प्लेसमेंट इसका होते रहेगा अपने पास। तो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन क्या मिलेगा बच्चों, एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। अब इस डिस्प्लेसमेंट को मानते हुए आप आगे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन समझेंगे, क्योंकि हम लोगों को डिस्प्लेसमेंट कंप्लीटली नहीं समझना है, यहाँ पर एक्सेलरेशन वेलोसिटी समझना है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम लोग। वेलोसिटी, जब पार्टिकल मीन पोजिशन से, ठीक है, जब पार्टिकल मीन पोजिशन से इस डिस्प्लेसमेंट के साथ स्टार्ट करेगा मूव करना टाइम के रिस्पेक्ट में, तो इसका वेलोसिटी क्या होगा इसको समझना है। तो वेलोसिटी के लिए
हम जानते हैं कि पोजीशन को या डिस्प्लेसमेंट को डिफ्रेंशिएट करना होता है, तो आप इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए। साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है बच्चों? कॉस ओमेगा टी। बट कॉस ओमेगा टी में आप अगर देखें तो ओमेगा भी तो यहाँ पर साथ में है, टाइम का कोफिशियंट, तो ये बाहर आ जाएगा यहाँ पर। तो क्या मिलेगा हम लोग को वेलोसिटी? वेलोसिटी मिलेगा ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। तो ये अपने पास वेलोसिटी आ गया, ठीक है। इनिशियल फेज मैंने जीरो मान रखा है, अगर आपको इनिशियल फेज जीरो नहीं लेना है तब भी कोई परेशानी इसमें नहीं है। तो ये वेलोसिटी अपने को मिल गया यहाँ पर कॉस के फॉर्म में, कॉस के फॉर्म में आ गया। अब अगर हमें कॉस के फॉर्म में नहीं चाहिए, हमें डिस्प्लेसमेंट एक्स के फॉर्म में चाहिए, क्योंकि हो सकता है क्वेश्चन में ऐसा बोल दे आपसे कि मीन पोजीशन से एक्स इज इक्वल टू ए बाई टू डिस्टेंस पे बताइए, कि मतलब एम्पलीट्यूड के आधे डिस्टेंस पे बताइए कि कितना वेलोसिटी होगा, तो आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो कैसे हम फाइंड करेंगे? तो उसके लिए देखिए हमें क्या करना होगा, एक आप ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला जानते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन, ठीक है। तो यहां से आप क्या लिखेंगे कि कॉस थीटा, मतलब कॉस थीटा इज इक्वल टू वन माइनस रूट ओवर वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि इसको उठा के आप इधर भेज दीजिए तो वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और इसका स्क्वायर हटा दीजिए तो रूट में हो जाएगा, तो ये कॉस थीटा आ गया यहां से। अब डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन क्या है बच्चों? ए साइन ओमेगा टी। अगर फाई होता तो कोई दिक्कत नहीं था, तब भी हम उसको ले सकते थे ऐसा। तो यहाँ से साइन ओमेगा टी निकाल दीजिए, तो साइन ओमेगा टी क्या आएगा? एक्स बाई ए। और आपने कॉस थीटा, थीटा यहाँ पर क्या है? ओमेगा टी है, तो आपने क्या निकाला है? साइन के फॉर्म में। तो आप यहाँ से इसको रिप्लेस कर सकते हैं कि कॉस ओमेगा टी इज इक्वल टू वन माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ओके। तो यहाँ से कॉस ओमेगा टी इज इक्वल टू वन माइनस साइन स्क्वायर, और साइन ओमेगा टी है कितना? एक्स बाई ए, तो आप इसको रख दीजिए और इसका स्क्वायरिंग कर दीजिए, तो आपको कॉस ओमेगा टी मालूम हो गया बच्चों। अब इस कॉस ओमेगा टी को उठा करके आपको यहाँ रखना है। तो वेलोसिटी का एक इक्वेशन तो आपको कॉस ओमेगा टी के फॉर्म में है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, है ना, कोई दिक्कत नहीं इसमें है आपके पास। बट एक इक्वेशन तो आप यहाँ पर आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है, एक्स और ओमेगा के फॉर्म में। तो इधर से आप लिखेंगे ए ओमेगा, और जो कॉस है उस कॉस को आप यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे वन माइनस एक्स बाई ए होल स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, तो ए ओमेगा इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। अब ये जो ए है ना, ये ए स्क्वायर, ये रूट से बाहर निकलेगा तो क्या मिलेगा? ओनली ए। तो वी इज इक्वल टू ए ओमेगा अपॉन ए इंटू रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, ए से ए कैंसिल। तो यहाँ से आपको वेलोसिटी क्या मिलेगा? ओमेगा इंटू रूट ओवर, अच्छा ये एक मिनट रुकिए, गलत हो गया, ये एक्स था, यहाँ देखिए यहाँ पर एक्स है ना, तो ये एक्स ही रहेगा, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ओके। सो देखिए ये वेलोसिटी आ गया पोजीशन, मतलब एक्स और एम्पलीट्यूड ए के रिस्पेक्ट में। एम्पलीट्यूड ए क्या होता है? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। तो अगर इन केस मान लीजिए आपसे बोलेगा कि ठीक है बताइए मीन पोजीशन से ए बाई फोर डिस्टेंस पे इसका वेलोसिटी क्या होगा ओमेगा के टर्म में, तो आप क्या करेंगे? इस ए बाई फोर को यहाँ रख देंगे, रखते ही आपको ओमेगा के फॉर्म में वेलोसिटी मालूम हो जाएगा, ठीक है। तो ये वेलोसिटी का पूरा कंप्लीट आपको इक्वेशन यहाँ से मिल गया। अब आपसे देखिए क्या पूछा जा सकता है, अब आपसे पूछा जा सकता है कि जब पार्टिकल मोशन करेगा तो इसका मीन पोजीशन, जैसे ये तो हो गया बच्चों मीन पोजीशन, और ये हो गया डियर स्टूडेंट्स एक्सट्रीम पोजीशन, मतलब इसके आगे और नहीं जा सकता है, इसको इवन बोलेंगे पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन, और इसको बोलेंगे हम लोग नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है, नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन, नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है। तो पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन पे कितना डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम? ए। नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन पे मैक्सिमम कितना? माइनस ए। और मीन पे कितना? जीरो। तो देखिए अब इसमें आपसे क्या पूछा जाएगा, तो इसमें आपसे पूछा जाएगा
कि ठीक है एट एक्स इज इक्वल टू जीरो पे बताइए कितना वेलोसिटी होगा, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला कितना है, ओमेगा इंटू रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो जैसे ही आप एक्स इक्वल टू जीरो पुट करेंगे इसमें, तो एक्स इज इक्वल टू जीरो पुट करते ही ये ओमेगा और ये ए स्क्वायर माइनस जीरो स्क्वायर, तो आपको यहाँ से जो वेलोसिटी मिलेगा है ना, ये वेलोसिटी मिल जाएगा आपको ओमेगा इंटू ए, ओमेगा इंटू ए। अब आप यहाँ पर सेकेंड पॉइंट में एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस ए, मतलब एक्सट्रीम पोजीशन। देखो अब यहाँ पर क्या ना कि एक्स का स्क्वेयरिंग हो रहा बार बार, आप देखिए एक्स का स्क्वेयरिंग हो रहा, तो जब एक्स का स्क्वेयरिंग होगा तो आप प्लस रखिए या माइनस रखिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जैसे ही आप यहाँ पर वी इज इक्वल टू ओमेगा इंटू रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस ए का होल स्क्वायर करेंगे, ठीक है एक मिनट, ये भी ए स्क्वायर है, तो ये ए स्क्वायर और एक्स की जगह प्लस माइनस, तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो आपको वेलोसिटी कितना मिलेगा, ज़ीरो। मतलब यहाँ पर एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी ज़ीरो मिलेगा, जबकि मीन पोजीशन पे क्या मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा कितना, ओमेगा ए। तो इस ये हो गया मीन पोजीशन, ये मीन पोजीशन है, और एक्सट्रीम पोजीशन पे आपको ज़ीरो मिला है, क्योंकि एक्सट्रीम पोजीशन पे पार्टिकल यू टर्न लेता है ना। अगर आप ठीक से देखें तो पार्टिकल यहाँ से ऐसे गया है और फिर वापस यू टर्न लेके इधर आया है, फिर पार्टिकल इधर गया है, फिर यू टर्न लेके इधर आया है, तो आपको एक्सट्रीम पोजीशन पे ज़ीरो मिलेगा, क्योंकि जब पार्टिकल जब भी यू टर्न लेता है कहीं पर भी, आप इवन प्रोजेक्टाइल मोशन में भी पढ़ेंगे, तो पार्टिकल जैसे यू टर्न लेगा ना आपको वेलोसिटी ज़ीरो मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया वेलोसिटी का कि एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या होगा और मीन पोजीशन पे क्या होगा, और मीन पे हमसे ध्यान रखिएगा वेलोसिटी मैक्सिमम मिलेगा। और एक चीज़ और भी है बच्चों कि जहाँ पर वेलोसिटी मैक्सिमम मिलता है ना उसी पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम होता है, और जहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, ज़ीरो होगा। ये सब छोटे छोटे पॉइंट्स याद रखने बहुत ज़रूरी हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो देखिए एक्सेलरेशन, अब काइनेमेटिक्स के अकॉर्डिंग एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए, एक्सेलरेशन शुड बी डीवी बाई डीटी, और वेलोसिटी है कितना यहाँ पर, तो वेलोसिटी तो ओमेगा इंटू ए इंटू कॉस ओमेगा टी है, अभी हम लोगों ने डिराइव किया था। देखिए ये इक्वेशन है वेलोसिटी का, ओमेगा इंटू ए इंटू कॉस ओमेगा टी, तो जब इसको आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ओमेगा इंटू ए तो एज इट इज रहेगा, बट ये जो कॉस ओमेगा टी है तो कॉस का डिफ्रेंशिएशन हमेशा ध्यान रखिएगा कि माइनस साइन होता है, और ओमेगा टी में से ओमेगा बाहर आएगा, तो अब यहाँ से एक्सेलरेशन क्या मिलेगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर ए इंटू साइन ओमेगा टी, बिकॉज ये माइनस यहाँ बाहर आ जाएगा, तो माइनस ओमेगा और ये ओमेगा ओमेगा स्क्वायर इंटू ए इंटू साइन ओमेगा टी। तो ये एक्सेलरेशन हम लोगों को मालूम हो गया यहाँ से, ठीक है। अब एक्सेलरेशन में भी सिमिलरली देखिए, जैसे आप एट एक्स इज इक्वल टू जीरो करेंगे, तो एक्स इज इक्वल टू जीरो का मतलब क्या होता है, मीन पोजीशन। तो मीन पोजीशन, अच्छा एक मिनट रुक जाइए बच्चों, एक मिनट, ये अभी मीन वाला हम लोग नहीं देखते क्योंकि अभी एक्स के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं किया ना, तो पहले इसको एक्स के फॉर्म में करते हैं। ये एक्सेलरेशन आ गया, ठीक है ना। अब एक्स इज इक्वल टू कितना हम लोगों ने एज्यूम किया था, ए साइन ओमेगा टी, तो अब अगर ये चीज़ है तो यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे कि माइनस ओमेगा स्क्वायर है ना, और इसको कम्प्लीटली एक्स से रिप्लेस कर देंगे। तो ये एक्सेलरेशन एक्स पे कैसे डिपेंड करता है, देखिए आपके सामने है इक्वेशन कम्प्लीटली। अब यहाँ पर आप एक्सट्रीम और मीन पोजीशन का एज्यूम कीजिए, तो एट एक्स इज इक्वल टू जीरो दैट इज मीन पोजीशन, एक्सेलरेशन क्या रहेगा, ज़ीरो। इसीलिए मैं जब भी क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ बच्चों इसका ऐसे जमकर बोलता हूँ कि मीन पोजीशन पे फोर ज़ीरो, क्योंकि जैसे आप एक्स का वैल्यू यहाँ ज़ीरो रखेंगे आपको एक्सेलरेशन ज़ीरो मिलेगा, तो जब एक्सेलरेशन ज़ीरो हो जाएगा तो एफ नेट भी क्या रहेगा, ज़ीरो। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखिएगा कि एक्सट्रीम पोजीशन पे, यहाँ पर एक्सट्रीम पोजीशन पे एफ नेट और एक्सेलरेशन दोनों आपको ज़ीरो मिलेगा। सेकंड में एट एक्स इज इक्वल टू अब इसमें आप देखिए इसमें क्या होगा कि आप चाहे प्लस रखें या माइनस रखें, ठीक है, प्लस या माइनस, यहाँ पे एक्सेल यहाँ आपको स्क्वायरिंग तो है नहीं, तो प्लस अगर ए रखोगे तो माइनस ओमेगा स्क्वायर ए आएगा,
और अगर ये माइनस ए रखोगे यहाँ पर तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन भी दोनों आएगा, प्लस भी आएगा और माइनस भी आएगा, ठीक है, प्लस भी आएगा और माइनस भी आएगा, ठीक है। मतलब कैसे देखिए, तो अगर आप यहाँ पर एक्सेलरेशन वाले पार्ट में जब प्लस ए रखेंगे ना तो माइनस आएगा, और जैसे ही आप यहाँ पर बट ध्यान रखिएगा कि मैग्नीट्यूड सेम आएगा, तो मैग्नीट्यूड तो मैक्सिमम ही आएगा, बट जैसे ही आप यहाँ पर माइनस रखेंगे, माइनस ए रखेंगे तो ये प्लस ए आ जाएगा, तो प्लस में आएगा एक्सेलरेशन, ठीक है, इसे प्लस ए आएगा स्मॉल ए। तो अब अगर यहाँ पर देखें हम लोग तो मीन पोजीशन और एक्सट्रीम के अकॉर्डिंग, तो ये मीन पोजीशन और ये पॉजिटिव एक्सट्रीम, मतलब एक्स इज इक्वल टू प्लस ए, तो एक्स इज इक्वल टू प्लस ए पर एक्सेलरेशन क्या आएगा, नेगेटिव। मतलब ये हुआ कि पार्टिकल जब इधर जा रहा था ना तो उस टाइम पे एक्सेलरेशन कहाँ था, उसके अपोजिट में था, मतलब इधर में एक्सेलरेशन था, ठीक है। यहाँ पर जब ये पोजीशन माइनस ए हुआ तो एक्सेलरेशन ओमेगा स्क्वायर ए, तो इस टाइम पर जब पार्टिकल इधर जा रहा था ना तो एक्सेलरेशन टुवर्ड्स मीन था, ठीक है, यही चीज़ हो गया इसका मतलब यहाँ पर, ठीक है। तो इस टाइप से एक्सेलरेशन और वेलोसिटी हम लोगों ने यहाँ पर कम्प्लीटली डिराइव कर लिया बच्चों, ओके। अब सबका यहाँ पर हम लोग ग्राफ तो देखेंगे, बट एक काम करते हैं उसके पहले फेज डिफरेंस लिख लेते हैं। देखिए सबका इक्वेशन एक साथ दिख रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट है ए साइन ओमेगा टी, दूसरा वेलोसिटी है बच्चों ओमेगा ए, मतलब ए या फिर ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, और एक्सेलरेशन है माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी। तो आपसे पूछा जा सकता है ठीक है इनके बीच का फेज डिफरेंस क्या है, या फिर इनके बीच का क्या है, या फिर इन दोनों के बीच का फेज डिफरेंस क्या है। तो फेज डिफरेंस आपसे पूछा जा सकता है, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, देखिए फर्स्ट पॉइंट फेज डिफरेंस है ना, तो फेज डिफरेंस बिटवीन पोजिशन एंड वेलोसिटी, मतलब एक्स और वी के बीच का फेज डिफरेंस, मतलब पहले मैं इन दोनों के बीच का फेज डिफरेंस लिख रहा हूँ। तो देखिए ये साइन है और ये कॉस है, तो साइन और कॉस के बीच का तो फेज डिफरेंस ऑलवेज क्या होता है बच्चों, पाई बाई टू होता है, ठीक है, साइन और कॉस के बीच का फेज डिफरेंस ऑलवेज पाई बाई टू ही होता है, ठीक। आप चाहें तो इसको लिख भी सकते हैं, इसको ये जो वेलोसिटी वाला टर्म है, इसको वेलोसिटी वाला टर्म को आप क्या लिख सकते हैं, ए ओमेगा इंटू साइन पाई बाई टू प्लस ओमेगा टी, आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो जब ऐसे आप लिखेंगे तो दिस फेज डिफरेंस माइनस दिस ओमेगा करोगे, मतलब ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी करोगे तो क्या मिलेगा, फेज डिफरेंस पाई बाई टू ही मिलेगा, ठीक है, क्योंकि पहले फेज डिफरेंस निकालने के लिए दोनों को एक फंक्शन में करना पड़ता है, या तो साइन को कॉस में कीजिए या फिर कॉस को साइन में कीजिए, तो फेज डिफरेंस इतना आएगा अपने पास, ठीक है। जहाँ भी साइन कॉस दिखे ना तो समझ जाओ कि 90 का फेज डिफरेंस आएगा ही आएगा। जैसे यहाँ पे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का देखिए, तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में कितना है, साइन और कॉस ही है ना, तो इसका मतलब यहाँ पर भी फेज डिफरेंस कितना आना चाहिए, यहाँ पर भी फेज डिफरेंस आना चाहिए पाई बाई टू का ही है ना, तो पाई बाई टू का फेज डिफरेंस आएगा, यहाँ पर भी पाई बाई टू आएगा, ठीक। तो देखिए और यहाँ पर अगर आप लिखना चाहें तो आप इसको इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं कि ए ओमेगा स्क्वायर साइन में कन्वर्ट करके साइन, ठीक है, साइन और ये हो जाएगा ओमेगा टी प्लस पाई, फिर इन दोनों का डिफरेंस लीजिए इसका और इसका, तो डिफरेंस लेते आपको पाई बाई टू दिख जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर इसका डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन का फेज डिफरेंस देखेंगे, तो डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन का फेज डिफरेंस ये आपको पाई मिलेगा, क्योंकि इन दोनों का फेज डिफरेंस निकालोगे ना इसका और इसका, तो आपको पाई का डिफरेंस यहाँ पर क्लियरली दिखेगा, ठीक है। अब यहाँ पर ग्राफ की बात करते हैं हम लोग, ओके, तो ग्राफ की बात करते हैं, जो वेलोसिटी का इक्वेशन है ना कि v इज इक्वल टू ए इंटू, एक मिनट रुकिए, v इज इक्वल टू था अपने पास ओमेगा इंटू रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब इसको एक काम करें, इधर में ओमेगा भेज दीजिए और बोथ साइड में ना स्क्वायरिंग भी कर दीजिए, तो स्क्वायरिंग करते ही देखिए क्या मिलेगा,
वी स्क्वायर बाई ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़ तो हम लोग को मिलेगा। अब इधर से आप जो ये वाला पार्ट है ना, इसको हमें पूरा मतलब एक इलिप्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। ये ध्यान रखना है कि इलिप्स के फॉर्म में कन्वर्ट हमें करना है। तो आप ए स्क्वायर को कॉमन कर दीजिए लेफ्ट हैंड साइड में, तो ए स्क्वायर को कॉमन करोगे तो वन माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर होगा। ठीक है, फिर इस ए स्क्वायर को आप भेजिए राइट हैंड साइड से कॉमन कीजिए और इधर भेजिए। ठीक है, तो ये देखिए अब आपके पास यहाँ से क्या आएगा, तो वी स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू वन। ये इलिप्स का इक्वेशन आ गया। ठीक है ना, ये कम्प्लीटली इलिप्स का इक्वेशन आ गया। अब इसमें क्या है कि अगर आप ये मान लेते हैं, यहाँ पर ऐसा आप एज्यूम कर लेते हैं कि इफ़ ए ओमेगा ग्रेटर देन ए, मतलब आप ऐसा मान लेते हैं कि जो ए ओमेगा है ना यहाँ पर वो ग्रेटर देन ए है, या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि ओमेगा ग्रेटर देन वन, तो उस केस में अगर आप एक्स ज़ीरो कर देते हैं, आप कंडीशन लगा देते हैं कि इफ़ एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो देन वी क्या आएगा, देन वी विल बी प्लस माइनस ओमेगा ए। ठीक है, प्लस माइनस ओमेगा ए। अब अगर आप यहाँ पर बोल देते हैं कि ठीक है अगर मैं वेलोसिटी को ज़ीरो कर देता हूँ, तो वेलोसिटी को ज़ीरो करने के लिए आपको फिर करेंगे तो आपको एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस ए लिखना पड़ेगा एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो उस केस में जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ध्यान रखिएगा कि ए ओमेगा यहाँ पर ग्रेटर देन ओमेगा है। तो अगर ए ओमेगा ग्रेटर देन ओमेगा है तो उस केस में ग्राफ ड्रॉ करते वक्त एलिप्स में वेलोसिटी और एक्स के ग्राफ में जो ये वाला पार्ट है ना देखिए वेलोसिटी है ये वी एक्सिस मतलब, और ये वी एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, तो वी वाले पे तो क्या आएगा बच्चों, ओमेगा ए। तो पॉजिटिव में ये ओमेगा ए यहाँ पर हो जाएगा और नेगेटिव में इधर में हो जाएगा माइनस ओमेगा ए। ठीक है, और ये जो पार्ट है ये वाला, ये माइनस ए, तो ये पार्ट हो जाएगा प्लस ए। ठीक है, तो इस टाइप से, और इसी में अगर कंडीशन ऐसे लगा दें हम लोग कि इफ़ ओमेगा लेस देन वन बोलने का मतलब हुआ कि ए ओमेगा लेस देन ए, तो इस बार क्या हुआ, इस बार हम ये बोलेंगे कि मेजर एक्सिस क्या हो जाएगा ए। यहाँ पर तो क्या था, यहाँ पर तो मेजर एक्सिस ए ओमेगा हो गया था, बट अभी केस में क्या हो जाएगा, मेजर एक्सिस ए हो जाएगा। तो जैसे ही मेजर एक्सिस ए होगा, ठीक है, तो आप ग्राफ ये वर्टिकल कम और हॉरिजॉन्टल ज़्यादा दिखेगा आपको, कुछ इस टाइप का ग्राफ दिखेगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि फिर ये वाला जो पार्ट है ना, ये कंप्लीट आपको ए दिखेगा, मतलब ये पॉजिटिव एक्सट्रीम और ये नेगेटिव एक्सट्रीम, और ओमेगा वाला जो पार्ट है ना यहाँ से यहाँ तक, ये आपको छोटा सा दिखेगा माइनर एक्सिस की तरह। ठीक है, तो इसका ग्राफ इस टाइप से बच्चों बनेगा यहाँ पर। और अगर कंडीशन ऐसा लगा दें हम लोग कि दोनों आपस में इक्वल हो गया, ओमेगा ए इज इक्वल टू ए हो गया, तो उस केस में तो सर्कुलर बन जाएगा, एलिप्स बनेगा ही नहीं। उस केस में कैसा बनेगा, सर्कुलर ऐसा। ठीक है, ऐसा बन जाएगा देखिए। ठीक है, क्योंकि दोनों आपस में इक्वल हो गए, तो ए और ये ओमेगा ए दोनों आपस में इक्वल। ठीक है, तो ये मतलब ग्राफ हो गया वेलोसिटी का। अब अगर एक्सेलरेशन की बात करें तो एक्सेलरेशन का भी इक्वेशन हम लोगों ने निकाला था बच्चों। एक्सेलरेशन का क्या इक्वेशन निकाला था हम लोगों ने, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो देखिए ये भी एक्स पर डिपेंड तो कर रहा है, बट जैसे आप एक्स का वैल्यू पॉजिटिव रखेंगे, जब आप एक्स का वैल्यू पॉजिटिव रख रहे हैं तो ए क्या आ रहा है, एक्सेलरेशन क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, और जब एक्स का वैल्यू नेगेटिव रख रहे हैं तो एक्सेलरेशन क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, और डायरेक्ट रिलेशन में है, इसका मतलब ये हुआ कि जब हम एक्सेलरेशन और पोजिशन का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो उस वक्त पे ग्राफ ऐसा आना चाहिए। ठीक है, देखिए कैसे क्यों आएगा ऐसा, क्योंकि जब आप एक्स का वैल्यू पॉजिटिव रख रहे हैं तो एक्सेलरेशन नेगेटिव आएगा। तो देखिए एक्स पॉजिटिव बट एक्सेलरेशन क्या है, नेगेटिव। यहाँ देखिए
एक्स एक्स पॉजिटिव तो एक्सेलरेशन क्या आया, सॉरी एक्स नेगेटिव इधर तो एक्सेलरेशन क्या आया पॉजिटिव, जब एक्स नेगेटिव रखोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो एक्सेलरेशन क्या आएगा प्लस आएगा। तो इसका ग्राफ यहाँ पर ऐसा कुछ अपने को दिखेगा। ओके, तो ये एक्सेलरेशन और वेलोसिटी ग्राफ हो गया, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको अगर आप ठीक से देखिए समझिए तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा सारी चीज़ें। अब काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ देखते हैं बच्चों लोग, और काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन देखते हैं। पोटेंशियल का मैं देखो मैंने कंप्लीट आपको इसका डेरिवेशन बता रखा है एक अलग वीडियो में, वो आपको मैं इसी वीडियो के लिंक पर डाल दूंगा, आप वहाँ से ज़रूर देखिएगा, है ना। चलिए काइनेटिक एनर्जी का देखते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी में देखिए सबसे पहली बात कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आप सोचेंगे ना तो बहुत ईजिली आपको समझ में आ जाएगा बच्चों। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या लिखेंगे आप, हाफ एम वी स्क्वायर, बहुत ही सिंपल फॉर्मूला। अब इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप सब कुछ सेट करते चलिए, ठीक है। तो वेलोसिटी का इक्वेशन हम लोगों ने क्या निकाला था ये भी देखना पड़ेगा, है ना, हर चीज़ देखना पड़ेगा। तो वेलोसिटी का इक्वेशन हम लोगों ने निकाला था ओमेगा इंटू रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी कितना आ जाएगा यहाँ से, हाफ इंटू एम ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। और इसी को हम लोग के भी एज्यूम करते हैं, कांस्टेंट के, जो स्प्रिंग कांस्टेंट है, के यहाँ पर स्प्रिंग कांस्टेंट हो गया। आप अगर जब स्प्रिंग के फॉर्म में पढ़ेंगे ना तो ये स्प्रिंग कांस्टेंट की तरह बिहेव करता है, और यहीं से टाइम पीरियड भी निकलता था ना, टी इज़ इक्वल टू रूट ओवर टी इज़ इक्वल टू पाई इंटू रूट ओवर एम बाई के, ठीक है। यहाँ से हम क्लियरली लिख सकते हैं कि के इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा एम ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। ये सारी चीज़ों का डेरिवेशन आपको मैं दूंगा, है ना, और भी वीडियोस अपलोड करूँगा ऐसे जम पे, तो आपको वहाँ पे सारी चीज़ों का डेरिवेशन भी दिखेगा कि ये क्यों हम एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, इक्वेशन क्या है। इवन जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का बताया था ना कि ऐसे जम एज अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन देखते हैं हम लोग, वो भी आपको पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा आने वाले वीडियोज़ में, ठीक है। तो पहले अभी ये देख लेते हैं हम लोग। तो ये देखिए काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन हम लोगों के पास आ गया यहाँ पर। अब यहाँ पर हमें क्या करना होगा ना कि एज्यूम करना होगा कि एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मीन पोजीशन में वेलोसिटी क्या होता है मैक्सिमम, तो अगर वेलोसिटी मैक्सिमम होगा तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या रहेगा मैक्सिमम ही होगा। तो काइनेटिक एनर्जी देखिए क्या मिलेगा, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जीरो, है ना, एक्स स्क्वायर तो वहाँ पर होगा ही, तो एक्स की जगह जीरो रख दीजिए तो टर्म आपको क्या मिलेगा जीरो। तो काइनेटिक एनर्जी आपको यहाँ से क्या मालूम हुआ, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, और ये जो काइनेटिक एनर्जी है ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, और मैक्सिमम कहाँ मिलेगा मीन पे मिलेगा। तो पोटेंशियल क्या मिलेगा जीरो मीन पे, ये आपको डेरिवेशन में भी दिखा रखा है मैंने अलग वीडियो में, उसका लिंक डालूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। देखिए एट एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस ए मतलब नेगेटिव एक्सट्रीम या पॉजिटिव एक्सट्रीम, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस प्लस माइनस ए होल स्क्वायर। तो अब ये देखिए अभी प्लस माइनस ए है बट है तो स्क्वायरिंग ना, तो क्या आएगा पॉजिटिव आएगा, तो ये दोनों कैंसिल होगा एक दूसरे से, तो कैंसिल होते ही आपके पास क्या मिलेगा, हाफ इंटू एम ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ये ज़ीरो। तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ से मिल जाएगा आपको ज़ीरो। तो काइनेटिक एनर्जी अपने को मिला ज़ीरो, कहाँ पे, एक्सट्रीम पे, क्योंकि वैसे भी एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी क्या होता है ज़ीरो ही होता है, ठीक है, ज़ीरो होता है। दूसरा चीज़ अगर आप देखें तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर पर डिपेंड कर रहा है, तो माइनस एक्स स्क्वायर पर डिपेंड कर रहा है इसका मतलब कि पैराबोलिक ग्राफ होगा। अगर आप काइनेटिक एनर्जी और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ देखें, ठीक है, तो पैराबोलिक होना चाहिए। तो काइनेटिक एनर्जी और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ पैराबोलिक अगर होगा, मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ ग्राफ, तो उसमें भी पैराबोलिक में भी डाउनवर्ड ग्राफ होना चाहिए, बिकॉज डाउनवर्ड इसलिए बिकॉज माइनस एक्स पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। और इसमें देखिए तो x इज इक्वल टू जीरो पे, x इज इक्वल टू जीरो कहाँ कहाँ होगा, तो x इज इक्वल टू जीरो तो इधर होगा, तो x इज इक्वल टू जीरो मीन पोजिशन पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, मतलब जब x का वैल्यू जीरो है तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, और जब x का वैल्यू मैक्सिमम है तो काइनेटिक एनर्जी जीरो, और काइनेटिक एनर्जी जीरो कहाँ होगा बच्चों, एक्स एक्सिस पे होगा। तो पैराबोलिक ग्राफ है और काइनेटिक एनर्जी जीरो करना है तो वो तो एक्स एक्सिस पे होगा इस टाइप से। इसका मतलब कि यहाँ पर एक्स इज इक्वल टू माइनस है
एक्स इज इक्वल टू ए, इन दोनों जगह पर काइनेटिक एनर्जी क्या मिलेगा? जीरो मिलेगा। बट ये जो एक्स इज इक्वल टू जीरो है ना, यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है बच्चों, तो एक्स इज इक्वल टू जीरो है, बट काइनेटिक एनर्जी क्या है यहाँ पर? मैक्सिमम है। और वो मैक्सिमम है कितना? तो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। तो इसका ग्राफ ऐसा होगा, ठीक है, मतलब इन्वर्टेड होगा, इन्वर्टेड यू शेप में होगा, ठीक। अब ये तो हो गया था क्या, काइनेटिक एनर्जी का पोजीशन के साथ कैसे वेरिएशन होगा। बट अगर यही ग्राफ हम देखें, मतलब यही इक्वेशन अगर देखना चाहें हम टाइम के साथ, तो वो कैसा बनेगा? देखिए, क्योंकि एक इक्वेशन तो वेलोसिटी का हम लोग के पास ये भी था, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, बट ये कब था? जब हम पोजीशन क्या एज्यूम किए थे, एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। तो उस केस में अगर आप काइनेटिक एनर्जी देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा? टाइम डिपेंडेंट काइनेटिक एनर्जी भी मिलेगा आपको, क्योंकि वेलोसिटी की जगह पे आपको ये रखना पड़ेगा। तो सिर्फ यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी पोजीशन डिपेंडेंट नहीं होगा बच्चों, टाइम डिपेंडेंट भी होगा। और टाइम डिपेंडेंट में देखिए ऐसा आएगा, ए हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, ये टाइम डिपेंडेंट हो गया, ठीक है। तो जब ये टाइम डिपेंडेंट अपने को मालूम हो गया, ठीक, तो इसमें क्लियर दिख रहा है कि ये कॉस स्क्वायर पर डिपेंड कर रहा है काइनेटिक एनर्जी। मतलब कॉस का आप कोई भी नेगेटिव वैल्यू, क्योंकि कॉस का देखो, अब एक चीज़ मैं आपको और यहाँ समझा दूँ कि कॉस का मतलब कॉस थीटा या कॉस ओमेगा जो भी समझो इसको, तो वन और माइनस वन के बीच में इसका वैल्यू लाई करता है, मतलब मैक्सिमम वैल्यू वन और मिनिमम वैल्यू क्या? माइनस वन। तो कॉस ओमेगा टी इसी के बीच में लाई करेगा, ओके। बट एक चीज देखिए कि अगर आप कॉस स्क्वायरिंग कर देते हैं तो माइनस तो हट जाएगा, तो कॉस स्क्वायरिंग, तो कॉस का अगर स्क्वायरिंग कर देते हैं आप यहाँ पर, तो इसका जो रेंज होगा ना, अब वो रेंज होगा जीरो से वन के बीच में, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू कुछ होगा ही नहीं यहाँ पर, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी का जो पूरा ग्राफ है वो कॉस पे डिपेंड करेगा, कॉस स्क्वायर पे, और कॉस का जो फंक्शन है वो कैसा होगा वो यहाँ से देखिए। जब ओमेगा टी का वैल्यू, जब ओमेगा टी का वैल्यू आप रखेंगे मैक्सिमम, ठीक है, जब आप ओमेगा टी का वैल्यू रखेंगे मैक्सिमम, सॉरी कॉस ओमेगा टी का वैल्यू जब मैक्सिमम रखेंगे, ठीक है, यहाँ पर कॉस ओमेगा टी मैक्सिमम, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, और कॉस का मैक्सिमम वैल्यू कितना? वन। तो ये पूरा मैक्सिमम यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी आएगा, ठीक है। कितना आएगा मैक्सिमम? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। तो यहाँ पे जो इसका ग्राफ बनेगा वो कॉस के अकॉर्डिंग होगा। और कॉस का ग्राफ कैसा बनता है? तो कॉस का ग्राफ बनता है इस टाइप से, ठीक है, इस टाइप से ग्राफ इसका बच्चों यहाँ पर बनेगा, ठीक है, कॉस का ग्राफ हो गया। अब एक्चुअली में क्या होता है, कॉस ग्राफ तो ऐसा होता है, कॉस का ग्राफ ऐसा होता है ना, मतलब कुछ पार्ट इसका नेगेटिव में भी होता है, बट नेगेटिव में हम दिखा नहीं सकते नेगेटिव काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर क्या आएगा, हमेशा पॉजिटिव आएगा, बिकॉज ये स्क्वेयरिंग है, तो काइनेटिक एनर्जी ऑलवेज पॉजिटिव आएगा, इसलिए हम ग्राफ को नीचे की तरफ ऐसे नहीं दिखा सकते हैं। तो ग्राफ को हमें जो नीचे वाला पोर्शन है ना उसको ऊपर में शिफ्ट करना पड़ेगा, तो ग्राफ इसका ऐसा बनेगा बच्चों, ठीक है। कहाँ कहाँ पर टच करेगा? तो ये टी बाई फोर पर टच करेगा, ठीक है, क्योंकि कॉस का वैल्यू 90 पे जीरो होता है, और 90 का मतलब क्या हुआ? टाइम पीरियड का वन फोर्थ, ठीक है, या फिर थ्री फोर्थ, ठीक, ऐसा होता है। अब ये तो तब था जब हम लोगों ने एज्यूम किया था क्या कि पोजीशन क्या था, जब हम लोगों ने एज्यूम किया था ए साइन ओमेगा टी, तब अपने पास वेलोसिटी क्या आया था? ए कॉस ओमेगा टी। बट अगर हम पोजीशन ही एज्यूम कर दें कॉस के फॉर्म में, अगर हम ऐसा एज्यूम कर लें कि इफ ए कॉस ओमेगा टी, तो वेलोसिटी फिर क्या आ जाएगा? वेलोसिटी आ जाएगा बच्चों किसके फॉर्म में? तो साइन के फॉर्म में आ जाएगा, है ना, वेलोसिटी तो फिर साइन के फॉर्म में आ जाएगा, और ये आ जाएगा माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। तो उस केस में देखिए आ तो रहा माइनस वेलोसिटी, है ना, बट जब आप यहाँ पर पुट करेंगे, देखिए एक्स की जगह पर वी की जगह पर, तो आपको सब ये पॉजिटिव में दिखेगा, क्योंकि स्क्वायरिंग करेंगे ना, तो स्क्वायरिंग करते हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी, साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ठीक है। तो यहाँ पर साइन का आप कोई भी नेगेटिव वैल्यू रखेंगे तब भी आपको पॉजिटिव ही मिलेगा, ठीक है। तो अब इसका ग्राफ जो होगा वो साइन के अकॉर्डिंग होगा, और साइन का ग्राफ कैसा होता है? तो साइन का ग्राफ देखिए कैसा होता है, इस टाइप का होता है,
होता तो नेगेटिव में है, ऐसा है ना, ऐसा होता है, बट हम यहाँ पे नेगेटिव दिखा नहीं सकते, तो इसलिए इस ग्राफ को हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा ऊपर शिफ्ट करना पड़ेगा, फिर ऐसे ऐसे ऊपर से ही चलेगा सिर्फ, मतलब पॉजिटिव में रहेगा, नेगेटिव में होगा ही नहीं, ठीक है। तो पॉजिटिव में ये ग्राफ होगा नहीं, सिर्फ नेगेटिव में होगा नहीं, सिर्फ पॉजिटिव में होगा। तो ये टी बाई फोर पे मैक्सिमम, मतलब कॉस, क्योंकि ये साइन है और साइन 90 क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। तो मैक्सिमम अपने को काइनेटिक एनर्जी कब मिलेगा, जब टी बाई फोर टाइम होगा, यहाँ पर ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। मिनिमम कब होगा, जब ट्वाइस टी बाई फोर होगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर साइन और कॉस का पूरा अपने को ग्राफ यहाँ पर दिखेगा, और ये कंप्लीट डेरिवेशन हो गया बच्चों काइनेटिक एनर्जी का, ठीक है, और एक्सेलरेशन का, वेलोसिटी का, सबका ये हो गया है ना ग्राफ। अब एक मैं आपको छोटा सा वीडियो बना के दिखाऊंगा, जिसमें मैं टोटल एनर्जी का पोटेंशियल के साथ क्या रिलेशन होगा, कैसे आएगा, वो सारी चीज़ दिखाऊंगा। ओके, टिल देन बच्चों बाय, टेक केयर, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।